चलिए जल्दी से कैमराज ऑन कीजिए, मुझे आप सबका इंतजार है। आपके कैमरे के ऊपर मुझे आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराती हुई हंसी का इंतजार है। मुस्कुराइए जरा, हम एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं, नॉलेज अटेन करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमराज और ऑन कीजिए, कैमराज ऑन करेंगे तो आपको इस मीटिंग में फोकस होगा, आप इस मीटिंग को अच्छे से सुन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि रावत जी, सुभाष सिंह जी कैमरा ऑन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से देखिए कैमराज ऑन रखें, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जितना भी समय हम इस मीटिंग में लगा रहे हैं उससे हम बेस्ट आउटपुट लेकर जाएं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मीटिंग के पहले दो रूल्स याद होंगे। पहला, कैमरा ऑन, चेहरे पर मुस्कुराहट, और दूसरा, आपके साथ आपका पेन और पेपर। थैंक यू अर्चना नेगी जी कैमरा ऑन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रघुवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी प्रकार से कैमरा ऑन रखिए, चेहरे पर मुस्कुराते रहिए, पेपर पेन ले लीजिए, क्योंकि आज हमारे पास समय कम है, तो ज्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम झट से अपनी चर्चा की तरफ बढ़ चलते हैं, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि समय की कमी की वजह से हमें हमारी कुछ नॉलेज में कमी रह जाए। तो आज गाड़ी जरा तेज चलेगी, अपने अपने जो भी आपके ट्रांसमीटर्स हैं उनको एक्टिवेट कर लीजिए। कोई भी चीज आपके आपके सुनने से रहना जाए, कुछ भी आपके नोट करने से रहना जाए। देखिए आज गामा ओरिजिनल की जो नीड ऑफ एवरी इंडियन सीरीज का डे टू है, डे टू के दिन हम चर्चा करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, एंटी ऑक्सीडेशन की। देखिए यहाँ पर ये चीज डिस्कस करनी बेहद जरूरी है कि क्योंकि आजकल हम सब में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है, हमें पता है हमें अच्छा भोजन करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करना है, एक्सरसाइज करनी है, बासी भोजन नहीं करना है, हर वो चीज हम करते हैं जो हमें पता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी बीमारियों से घिर रहे हैं, ऐसा क्यों? आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। देखिए अगर इस सवाल का जवाब बिना सस्पेंस के आपको सीधे तौर पर बता दूं तो इसका कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसको नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो हर एक मनुष्य जो जीवित है, जो सांस ले रहा है, उसके अंदर होता है। इस स्ट्रेस की वजह से गंभीर और गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। लेकिन इस हम सिर्फ आपको समस्या ही नहीं बताएंगे, उसका इलाज, उसको हल करने का तरीका, उसके लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सी रूटीन की आदतों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब भी आपको बताकर जाएंगे। आप सब लोग समझते हैं कि हम सब लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से दिल का धड़कना जरूरी है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन लेना भी बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन है तो सांस है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो हम आप हैं। देखिए लेकिन ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है। थोड़ा सा ट्रिकी है आज का जो सेशन है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे और मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी तो आप जरूर ग्रास्प कर पाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में दो लाल रंग के एरोज हैं। एक लाल रंग के एरो से मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, दूसरे एरो से भोजन जा रहा है। शरीर के अंदर जाकर जब ये ऑक्सीजन और ये भोजन, देखिए भोजन जब हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होता है भोजन का, तो इसकी जो लास्ट प्रोडक्ट बनती है, जो भी हम खाना खाते हैं, उसे शुगर कहा जाता है या फिर उसे ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में खाए हुए भोजन से ग्लूकोज बनता है और हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन बनती है, इन दोनों का मिलान होता है, ये दोनों चीजें एक दूसरे में एब्जॉर्ब होती हैं, तब हमारे शरीर में एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीजों का जन्म होता है, ये तीनों चीजें पैदा होती हैं। फिर से बताती हूँ, भोजन किया, भोजन से बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलकर हमारे शरीर में तीन तरह की चीजें बनाती हैं, एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड नीले रंग के एरो से हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। तो आपको समझ में आया कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक इंसान के अंदर, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग के अंदर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है।
देखिए आपको अब मैं एक साइंटिफिक एक तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनाता है। अब ये जो एनर्जी है इसका क्या मतलब है? इस एनर्जी की जरूरत हम सबको है। एनर्जी के बिना आप मेरी मीटिंग को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, एनर्जी के बिना मैं अच्छे से आपको बता नहीं पाऊंगी, आपको इसके बारे में जस्ट मीटिंग जो वो बता रही आप अनम्यूट कर ले, मैं म्यूट कर दिया जी। तो एनर्जी के लिए बोलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, सुनने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, फोकस से किसी चीज को समझने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। अगर किसी ने एक फिंगर को भी उठाना है तो हमारे शरीर में उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो ये एनर्जी हमारे लिए बेहद जरूरी है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मर्जिंग का, इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन इस एनर्जी से एक बाय प्रोडक्ट पैदा होता है जिसे बोला जाता है फ्री रेडिकल्स, जिसे ऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास उनका अपना एटम नहीं होता। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास इनका अपना एटम नहीं होता। कहा जाए तो एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जिस प्रकार से सपोज कीजिए गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे शैतान आ गए जो कि बहुत ज्यादा शरारती हैं और उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। जहां पर वो बच्चे हैं उनके पास अपना अपना सबके पास भोजन है, लेकिन वो शैतान और शरारती बच्चों के पास अपना भोजन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो उन अच्छे बच्चों से भोजन छीनते हैं, भोजन छीन कर अपना पेट भरते हैं और पेट भर के वो शांत हो जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये फ्री रेडिकल्स काम करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स के पास इनका अपना एटम नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य और समृद्ध सेल्स होते हैं उनसे एटम्स खींचने की कोशिश करते हैं। जब ये एटम खींचते हैं हमारा जो सेल है वो उसके एटम्स कम पड़ जाते हैं और वो धीरे 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 ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है और वो सेल उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगती है। जैसा कि नॉर्मल हम समझते हैं कि हमारी आम, अगर मैं दिनचर्या में आपको बताऊं, जैसे एक टमाटर होता है उसको बाहर आप मौसम में रख देंगे बिना फ्रिज के, तो वो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही संपर्क में आएगा धीरे 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 गलने और सड़ने लगेगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ये ऑक्सीडेशन चलती है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिससे हमारे सेल्स कमजोर पड़ते हैं और डैमेज हो जाते हैं। तो आप समझ गए कि हमारे शरीर में ग्लूकोज और हमारी ऑक्सीजन मर्ज होकर एनर्जी बनी। एनर्जी का एक बाय प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल, जिसे ऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब सेल्स का डैमेज होना। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम चूल्हे में आग लगाते हैं, जरूरत हमें आग की होती है क्योंकि आग होगी तभी अग्नि होगी, तभी वहां पर गर्माइश होगी, तभी हमारा खाना पक पाएगा। लेकिन आपने कभी अनुभव किया हो, जब भी हम आग लगाते हैं तो वहां पर छोटी 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 चिंगारियां जरूर उठती हैं। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्पार्कल्स, जरूरत आग की है, लेकिन ये चिंगारियां एक प्रकार से फ्री की बाय प्रोडक्ट्स हैं। उसी प्रकार से ये जो अग्नि है ये हमारी एनर्जी है और ये जो चिंगारियां हैं ये ऑक्सीडेंट्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको टमाटर की एग्जाम्पल बताई कि टमाटर बाहर रखा हुआ गल जाता है, उसी प्रकार से इन फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे अच्छे स्वास्थ्य सेल भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और गल जाते हैं। देखिए यहाँ पर बड़े ही क्लियर डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये लाल रंग के ऑक्सीडेटिव ये ऑक्सीडेंट्स हैं जिनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, ये किस प्रकार से हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है, लेकिन जहां जहां ये फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे हैं वहां वहां पर ये मेम्ब्रेन खराब हो रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरारती बच्चे अच्छे बच्चों का भोजन छीनते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की चर्चा की जरूरत क्यों है? पहली बात तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ता उम्र हमारे शरीर में चलता है, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसका चलते रहना बेहद जरूरी है क्योंकि
इसकी वजह से, एनर्जी की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में होता है और एनर्जी की जरूरत हम सबको है। लेकिन इसको डिस्कशन करने की क्यों जरूरत है, क्यों इसके ऊपर चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स का डैमेज है, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि सब कुछ अच्छा अच्छा करने के बावजूद भी हमारे शरीर में हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी गंभीर से गंभीर बीमारियों की शुरुआत हो सकती है इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है कि ब्रेन की समस्या हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, लंग्स की समस्या हो सकती है, हमारे शरीर में नर्व्स की, जॉइंट्स की, त्वचा की या फिर मल्टी ऑर्गन्स की समस्या भी हो सकती है। तो जी हाँ, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके ऊपर ध्यान देना और इसको बैलेंस करना, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना बेहद जरूरी है। यहां पर मैं दोबारा म्यूट कर लें, इट्स ओके। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चलता है, उसी प्रकार से हमारे चेहरे पर, हमारी त्वचा पर ये झलक जाता है। अब यहाँ पर अगर हम सोचे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की। आप हर जब भी आप सबको मौका मिलता है आप उनसे मिलते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि उनके चेहरे के ऊपर उनकी उम्र के बावजूद कितना गौरव है, कितना नूर है, कितनी चमक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे तत्व हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, जो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इन तत्वों को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, इसको याद करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी लेडी है जिसके पास खूब सारा एक्स्ट्रा खाना है और वो गली में घूमने वाले उन शरारती बच्चों को उनका भोजन दे देती है, उनका पेट भर जाता है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स के पास एक्स्ट्रा एटम्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को, वो उन ऑक्सीडेंट्स को वो एक्स्ट्रा एटम्स प्रदान कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के स्वास्थ्य सेल्स को परेशान नहीं करते, डैमेज नहीं करते। तो मेरा आप सब से रिक्वेस्ट है प्लीज आपको रिक्वेस्ट है अपना म्यूट रखिए, सभी सर म्यूट कर दीजिए। कंटिन्यू मैम। मैंने एक बार हाँ म्यूट कर दिया, प्लीज इसकी सेटिंग से कोई भी छेड़छाड़ ना करे। तो जी हाँ, तो मैं त्वचा की बात कर रही थी। तो अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होगी तब हमारे शरीर पर ये जो त्वचा है, तो बीसी सर की तरह आपने अदरवाइज भी आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता, या फिर ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी त्वचा उनकी उम्र से बहुत ज्यादा मुरझाई रहती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं और दूसरे नंबर में जिनकी चेहरा मुरझाया रहता है, जिनकी त्वचा पर नूर नहीं होता, उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये सिर्फ मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उससे नहीं होता। अगर हम कहें कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलान से ही हमारे शरीर में डैमेज हो रहा है तो इसका ऐसा नहीं है, इसके और भी बहुत से कारण है। इन्फ्लामेशन के बारे में हम खास एक कल इन्फ्लामेशन का दिन रहेगा, day 3, तो इन्फ्लामेशन के बारे में भी हम खूब अच्छे से जानकारी लेंगे। इन्फ्लामेशन से भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जो आपकी सिगरेट तंबाकू जैसी आदतें हैं उनसे भी शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। इसके अलावा हमारे आस पास लगने वाले मोबाइल टावर्स, उनकी रेडिएशन से भी हमारे शरीर को नुकसान पड़ता है, वायु प्रदूषण से नुकसान पड़ता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज से भी हमारे शरीर का डीएनए डैमेज होता है, यानी कि हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन डैमेज होती है और इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जा सकता है। तो यानी कि हमारे शरीर में सिर्फ मेटाबॉलिक प्रोसेस से नहीं, चारों तरफ से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण मौजूद है, जिनसे बचने के लिए हमें उतना ही मजबूत
एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे, देखो हम सब समझ रहे हैं कि हमारे चारों तरफ से हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स उस मात्रा में चाहिए कि फ्री रेडिकल्स का बैलेंस बना रहे। अगर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा से हर एक दिशा से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट भी उतना ही मजबूत और उतना ही इफेक्टिव और स्ट्रांग हो ताकि वो फ्री रेडिकल्स की बराबरी कर सके। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट, ये वही आंटी है जिसके पास भरपूर मात्रा में भोजन है, वो एटम को इधर जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीडेंट्स हैं, उनको कंप्लीट कर रही है। जैसे उनको एटम लॉस होता है वो एटम कंप्लीट कर देते हैं और इससे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनका पेट भरा रहता है और वो किसी को परेशान नहीं करते। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। तो ऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के एटम्स को एंटीऑक्सीडेंट कंप्लीट कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के पास भरपूर मात्रा में एटम्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर बात करूं एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो हमारे आसपास डॉक्टर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हर बार ये बात कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें। एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने के लिए हमारे पास ज्यादा नट्स का और डार्क चॉकलेट का, ग्रीन टी का, इन सब चीजों का बहुत चलन चल रहा है। हम सब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, बीन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करते हैं, साग का इस्तेमाल, साग भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन आग्रह है कि साग को हमेशा अच्छे से पकाने के बाद ही सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, इन सब चीजों का सेवन किया जाता है एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स का जो मात्रा है वो इतनी भरपूर नहीं है जितनी अमाउंट में हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। तो जरूरी है कि एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट हो जो वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और आप सबको गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो कि एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट, ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आप सबके पास मौजूद है और वो है गामा ओरिजिनोल। ये एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो वेटेज को बराबर कर सकता है। जिस प्रकार से चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है फ्री रेडिकल्स का, उस वेटेज को कंट्रोल कर सकता है, उसकी बराबरी कर सकता है। इस बात का मैं आपको प्रूफ देकर जाऊंगी, फैक्ट्स के द्वारा इसको साबित करके जाऊंगी। देखिए सबसे पहले आप सबके आगे ये क्लिनिकल ट्रायल है। इस क्लिनिकल ट्रायल में, देखिए क्लिनिकल ट्रायल में समझती हूँ कि आप सब लोग जानते होंगे क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब जब भी किसी जी मैम, एक गुलाटी सर को पोस्ट कर दीजिए जस्ट। गुलाटी जी किस नाम से है? प्रमोद गुलाटी लिखा होगा। प्रमोद कौर, प्रमोद गुलाटी लिखा होगा। यस गुलाटी सर को मैंने कोहोस बना दिया है। थैंक यू। इससे म्यूट वाले ऑप्शन से प्लीज कोई भी छेड़छाड़ ना करे प्लीज। मैंने इसको अब सेट कर दिया है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा। इसके साथ कोई भी अब छेड़छाड़ ना करे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। फिर ना ब्रेक लग जाती है। कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, तो मैं बात कर रही थी क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। जब भी किसी सब्सटेंस की जांच की जाती है, मेडिकल जगत में कुछ भी रिसर्च की जाती है, तो चीजों की जांच अलग अलग लेवल्स पर करी जाती है। जैसे कि क्लिनिकल जांच की जाती है, लेबोरेटरिकल जांच की जाती है। इन्हीं जांचों में सबसे अव्वल दर्जे की जो जांच होती है उसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। यानी कि इसमें ऐसा खास क्या है, ये ट्रायल सभी छोटी जांचों के बाद लास्ट में आती है, क्योंकि इस जांच में जो ट्रायल है वो मानव शरीर के ऊपर किया जाता है, वो इंसान के ऊपर किया जाता है। तो हमारे पास ऐसे हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिनमें ये बात साबित होती है, जिनमें से एक का स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ।
ये एक सदस्य है, एक ऐसे पेशेंट है जिनके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। जब उनको गामा और रिजनॉल की इफेक्टिव डोजेज दी गई तो देखा जा रहा है कि उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ गई और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था वो नीचे आने लगा। यानी कि ये बात क्लिनिकली प्रूव हो चुकी है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि गामा और रिजनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने अनेकों ऐसी रिसर्च स्टडीज हैं जिनमें ये बात, इस बात की पुष्टि की गई है कि गामा और रिजनॉल हमारे शरीर में ये जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर चुका है। समय समय पर ये स्टडीज होती रहती हैं और नई नई जानकारियां हम सबके सामने आती रहती हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट के नाम पर ज्यादातर हम सबको विटामिन ई का पता है कि विटामिन ई का सेवन कर लें, ये बहुत अच्छा है हमारे त्वचा के लिए, अच्छा है हमारे स्किन बालों के लिए, अच्छा है हमारी नर्व्स के लिए, अच्छा है। तो ज्यादातर भारत में विटामिन ई का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्ट्स की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसर्च पेपर्स की। जो ये आपके सामने स्टडी है, इस स्टडी में ये बात साबित हो गई है कि गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। यानी कि जितनी फायदा, जितना इफेक्टिवनेस आपको गामा ओरिजिनॉल के एक डोज से मिलेगा, उतना फायदा लेने के लिए आपको 4 गुना विटामिन ई का सेवन करना होगा। यानी कि विटामिन ई की बजाय हम सबको गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हर एक भारतीय, हम ये समझते हैं कि विटामिन ई का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि हम विटामिन ई का सेवन क्यों करेंगे जब हमारे पास 4 गुना ज्यादा बेनिफिट देने वाला गामा ओरिजिनॉल मौजूद है। हम सब ये समझ रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और ये आ गई आप सबके सामने फोटोग्राफ एंटीऑक्सीडेंट की। ये आपके शरीर के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ जब हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। ये ग्रीन कलर की एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को किक करके अपने शरीर से बाहर निकाल रही है, उनको न्यूट्रलाइज कर रही है। तो हम सबको इस एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ साउथ कोरिया में हुई रिसर्च, साउथ कोरिया का एक क्लेम जो कि आप सबके सामने है। साउथ कोरिया ने गामा ओरिजिनॉल को एक बेहतरीन और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ साउथ कोरिया में जो फूड इंडस्ट्री है उसमें जब भी पैकेज्ड फूड की पैकिंग की जाती है, बहुत सारी कंपनीज में फूड को पैक करते वक्त आखिर में उसमें गामा ओरिजिनॉल ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया इस बात को जान चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके भोजन को भी खराब नहीं होने देता, इसलिए वहां पर पैकेज्ड फूड में भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहती हूँ। जब भी आपने देखा होगा, मैंने कल आपको बहुत सारी गामा ओरिजिनॉल की बॉटल्स दिखाई थी अलग अलग कंपनीज की, तो आपको एक बात समझनी होगी कि हर एक कंपनी गामा ओरिजिनॉल का बॉक्स पैक ही दे रही है। यानी कि हमें गामा ओरिजिनॉल को स्ट्रिप पैक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अपने आप में ही एंटीऑक्सीडेंट है। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये गोली ही खराब हो जाएगी तो हमारे शरीर में इसका इफेक्ट कैसे नजर में आएगा? वहीं पर जब हम स्ट्रिप पैक करते हैं, स्ट्रिप पैक करने का मतलब यही होता है कि आप एक गोली खोली और उसका एक सेवन कर लीजिए, बाकी गोलियां पैक्ड रहे, सील बंद रहे, ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए स्ट्रिप पैक किया जाता है। जबकि गामा ओरिजिनॉल एक इतना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है कि इसको अगर खुला भी आप रख रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं हर जगह बॉटल्स मिलती हैं, बॉटल खुली रहती हैं, ओपन रहती हैं, तब भी इसकी जो कैप्सूल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, वो खराब नहीं होता, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो जी हाँ, एक बार फिर से भारत सरकार का शुक्रिया गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा देने के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब एक ऐसा तत्व जो आपको एक ही समय पर पोषण के साथ साथ रोकथाम भी करे बीमारियों की। इसके अलावा भारत सरकार ने अब
गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचान लिया है और बताया है कि जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी करता है। इसके अलावा दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ गामा ओरिजिनॉल देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि गामा ओरिजिनॉल को अपने भोजन में शामिल कीजिए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ताकि इसका सेवन करना आप भूलें ना। अब मैं चर्चा करती हूँ डॉक्टर्स के बारे में। देखिए, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का हेल्थ वर्ल्ड सेक्शन में डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि गामा ओरिजिनॉल एक इतना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे पेट के लिए सबसे बेहतर हो सकता है, जो कि हमारे पेट की इंटेस्टाइनल फंक्शंस को बहुत अच्छे से सर्व कर सकता है। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से अगर हमें पेट की कोई समस्या नहीं भी है तब भी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, यानी कि हमारे पेट में होने वाला हर वो प्रोसेस, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो हम कह सकते हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल एक्सकर्शन है, वो सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, इम्प्रूव्ड तरीके से चलने लगती हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जी की मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ, जो कि सीनियर डाइटिशियन है एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से। उन्होंने भी इस बात की चर्चा द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में की कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि राइस ब्रांड से निकाला जाता है। डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिन्होंने खास तौर पर कोविड के टाइम पर कोविड के पेशेंट्स को हैंडल किया, उनका ट्रीटमेंट किया, उनका भी ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाला तत्व है। यहां पर मैं आपको आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ डॉक्टर नमिता नादर, जो कि नोएडा की एक बेहद मशहूर और बेहद एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर साहिबा फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में कार्यरत हैं और डॉक्टर साहिबा ने डाइटिशियन ईशा वशीष जी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, जी हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर आकर इस बात की पुष्टि कर दी कि गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट मत कहो, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। आप सबसे आग्रह है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि स्कैन कोड से आप डायरेक्टली उस वीडियो में पहुंच पाए। स्कैन कोड को स्कैन करके जिसमें डॉक्टर नमिता नादर ने गामा ओरिजिनॉल को सुपर एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है। तो जी हाँ, क्योंकि हम सब सांस ले रहे हैं, हम सब भोजन कर रहे हैं, उन दोनों से मिलकर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी के साथ हमारे पास फ्री प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट्स आते हैं और वो ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में बहुत सारे दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। उन ऑक्सीडेंट्स के डैमेज से बचने के लिए हमें गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, अब एक बार फिर से इस किताब की चर्चा आप सबके साथ करना चाहती हूँ। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लग रही है तो आपको बता दूं, ये सारी जानकारी इस किताब में मौजूद है। ये किताब डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने खास आरसीएम परिवार के लिए लिखी है, डिजाइन की है। इस किताब में जगह जगह पर स्कैन कोड्स हैं जिनके द्वारा आप उस किताब में दी हुई डिटेल को अपने फोन में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आरसीएम परिवार की ही रिवर्ट बैक से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये किताब आरसीएम परिवार में वाकई जादू कर रही है। जिन जिन घरों में ये किताब पहुंची है वहां से गामा ओरिजिनॉल का ऑर्डर जरूर आया है। तो इस किताब को आप अपनी टूल किट में एंटर कीजिए, शामिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस किताब को आप मंगवा सकते हैं, 8847312706। एक बेहतरीन अवार्ड फंक्शन आप सबकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ाता हुआ फरवरी 2023 में एपी ऑर्गेनिक्स आप सबके लिए एक खास अवार्ड फंक्शन की तैयारी कर रही है। तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इस अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का एकमात्र मकसद आरसीएम परिवार का शुक्रिया अदा करना है। हम सब आप सबके आभारी हैं, एपी ऑर्गेनिक्स आप सबका आभारी है, क्योंकि आपने गामा ओरिजिनॉल की ताकत को पहचाना और गामा ओरिजिनॉल को घर घर पहुंचाने की इस मुहिम को आप सब ने बहुत तेजी से चलाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए आप सबको कुछ अवार्ड्स अर्जित करने होंगे। पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार 5 महीनों तक गामा ओरिजिनॉल के साथ 10,000 PV का काम करना होगा। यानी कि अगर आप अगस्त से शुरू करते हैं तो दिसंबर तक, सितंबर से शुरू करते हैं तो जनवरी तक, लगातार 5 महीनों तक हर महीने
10,000 पीवी गामो ओरिजिनल के साथ कंप्लीट करने होंगे, तब आपको मिलेगा अवार्ड पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। दूसरा अवार्ड है विजनरी अवार्ड। इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए, ये लीडर्स के लिए अवार्ड है, इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए आपका अगस्त से लेकर दिसंबर तक जुलाई की वीकर लेग में 5 लाख पीवी मात्र गामो ओरिजिनल के साथ कंप्लीट होने बेहद जरूरी है। जी हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आपकी टीम में कोई और व्यक्ति भी इस अवार्ड को पाने की कोशिश कर रहा है तो आपके टोटल पीवीज में से उनके पीवी को माइनस करके बैलेंस के आधार पर इसकी एलिजिबिलिटी निर्धारित की जाएगी। तीसरा अवार्ड है स्टेट टॉपर अवार्ड। इसका मतलब हाईएस्ट सेलर ऑफ गामा ओरिजिनल। इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए आपका अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टोटल गामा ओरिजिनल के ऊपर किया हुआ काम को एडअप किया जाएगा। अगर ये काम आपके प्रांत में, आपकी स्टेट में सबसे ज्यादा किया हुआ काम होगा तब आपको मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप हर महीने अगस्त से लेकर दिसंबर तक कम से कम 10,000 पीवी गामा ओरिजिनल के साथ कंप्लीट जरूर करें। इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद आपको एक ब्रांड बनने का अनुभव होगा। आप एक ब्रांड बन जाएंगे। आपके स्टेट में, आपके प्रांत में जब जब गामा ओरिजिनल का नाम लिया जाएगा तब तब आपकी चर्चा उसके साथ जरूर की जाएगी। बाकी अगला आपके साथ अनाउंसमेंट एक ये है कि आप सबके लिए आरसीएम एनिवर्सरी में एक बहुत ही बड़ा उपहार, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से। जी हाँ, आरसीएम परिवार की 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है 13 अप्रैल 2022 को। इस एनिवर्सरी में एपी ऑर्गेनिक्स भी आप सबके साथ सेलिब्रेट करने के लिए एक खास स्टॉल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस स्टॉल पर आप सबको ये ध्यान रखना है कि उस अवार्ड, उस एनिवर्सरी में पहुंचकर आपको इस स्टॉल पर जरूर पहुंचना है, क्योंकि इस स्टॉल पर आपको भरपूर मात्रा में गामा ओरिजिनल की किताबें मिलेंगी। तो अगर अभी तक आपने गामा ओरिजिनल की किताबों का ऑर्डर नहीं किया तो 13 नवंबर को आप खूब सारी किताबें यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मात्र किताबें ही नहीं, किताबों के साथ एक सरप्राइज भी आप सबको मिलने वाला है। तो भूलना नहीं है एनिवर्सरी पर, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम है। इस बड़े स्टेडियम में गामा ओरिजिनल की स्टॉल को ढूंढने में मशक्कत जरूर लगेगी, क्योंकि बहुत ही लार्ज, शायद भारत का बहुत ही लार्जेस्ट स्टेडियम है जहां पर आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो गामा ओरिजिनल की स्टॉल को ढूंढना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई भी आरसीएम परिवार का सदस्य ऐसा ना हो जो गामा ओरिजिनल की स्टॉल पर ना पहुंच पाए। अब मैं आप सबके सामने सरप्राइज रिवील करने जा रही हूं कि क्या सरप्राइज गामा ओरिजिनल का आपको मिलने वाला है इन किताबों के साथ। जी हाँ, आप सबको मिलने वाला है गामा ओरिजिनल की 10 किताबें खरीदने पर, जिसका मूल्य 50 रुपए है। 10 किताबें खरीदने पर आपको 590 MRP का गामा ओरिजिनल बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। जी हाँ, गामा ओरिजिनल बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर देखा जाए तो आपको 500 रुपए में 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो हो गया ना ये डबल धमाका। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर कोई भी गूगल पेमेंट या पेटीएम पेमेंट नहीं होगी। जो कुछ भी आप जितनी भी किताबें लेना चाहते होंगे वो सिर्फ कैश पर ली जाएंगी, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा देखिए, किताब के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि इस किताब, ये कितनी बेहतरीन किताब है। जिस घर में पहुंची है वहां से हमें ऑर्डर्स जरूर मिले। ऑर्डर्स नहीं बल्कि एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि सामने वाला इंसान ता उम्र गामा ओरिजिनल का सेवन भी करता है और अपने पहचान वालों को, अपने परिवारजनों को भी इसका सेवन करने की के लिए प्रेरित करता है। देखिए, इस किताब में आपको अलग अलग फैक्ट्स, कोलेस्ट्रोल हुआ, इन्फ्लामेशन हुई, एंटीऑक्सीडेंट हुआ, कैंसर के बारे में जानकारी, हर तरह की जानकारी इस किताब में मौजूद है। तो आप सबको इस मौके का बहुत ज्यादा फायदा उठाना है और गामा ओरिजिनल के स्टॉल पर जरूर पहुंचना है। इसी के साथ मेरा डे 2 कंप्लीट होता है और डे 3 के लिए आप सबको मैं दोबारा से निमंत्रित करती हूँ, आप सबका आह्वान करती हूँ कि डे 3 में हमें जरूर पहुंचना है। हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। डे 3 पर हम जानेंगे इन्फ्लामेशन के लिए कि किस प्रकार से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होती है और किस प्रकार से बहुत यंग एज में जिन लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं मेन रीजन इन्फ्लामेशन ही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।